Greetings. Kamusta? I want to say a public thank you to Moses Jock. He's done such a great job. भाई मेहरबान जी कह रहे कि आप सबके सामने भाई मौसम जान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो तर्जमा कर वो हमारे लिए बरकत और आप मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हैं उनके लिए कह रहे हैं कि मैं ही उनको आपके ऐसे क्या चुप कलाम सुनाना है and you know being from Canada he has a funny accent we English speakers think he talks really funny और ये जो कनाडा से भाई हैं इनका जो बोलने का तलफ़ुज़ है वो इंतहाई अजीब है और हम जो अमेरिका वाले हैं कहते हैं कि अजीब किस्म के लोग Canadians say hey 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 कह रहे कि एक दिन करना मतलब मतलब पुटे से दे और किसी ने पूछना है तड़ा किया आ रहे तो मैंने कोई दिन है तो जब भी किसी कैनेडियन से जरा कनेडा तो है तो ना गाने कर रहे तो मैं जानते हैं बस कर रहा है Today we're going to talk in Genesis chapter 24 about the selecting of a bride. पैदाइश की किताब 24 में बाब में आज हम बात करेंगे बीवी के चुनाव के ताल्लुक से We're going to see the story of Abraham obtaining a bride for his son Isaac. हम इब्राहिम की कहानी पर बात करेंगे जो अपने बेटे इसहाक के लिए बीवी तलाश कर रहा था I'm going to tell you that this really happened. और मैं आपको बताऊं जो कुछ मैं आपसे बयान करूंगा हकीकतन वही हुआ Not only did it really happen, but we're going to see some symbolism with the selecting of a bride for Isaac. इसहाक के लिए जो बीवी का चुनाव करने की कहानी है हकीकी तौर पर भी हुई लेकिन इसमें जो अलामतें और पैगाम हमारे लिए है उस पर भी बात I'm going to show you that this is a picture of being chosen by God to be the bride of Christ. और ये कहानी जो है मैं आपको बताऊंगा कि खुदा की तरफ से हमारे लिए भी है कि हमें मसीह की दुल्हन होने के लिए चुना गया You are the bride of Christ and you were chosen by God the Father. आप खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है और खुदा बाप ने आपका चुनाव किया है बच्चों को बिठाएं Let's look at the symbolism of Abraham and Isaac and his servant Eliezer. अब इन बातों पे हम बात करेंगे और उनमें से जो हमारे लिए निशान है या लगते हैं इब्राहिम उसका नौकर एलीएजर और राखल रिबका Abraham equals God the Father. इब्राहिम जो है वो खुदा बाप को जाहिर करता है Eliezer, the servant of Abraham, equals the Holy Spirit. एलीएजर जो इब्राहिम का नौकर था वो अलामती तौर पर हम ले रहे हैं रूल उसकी अलामत है Certainly Eliezer is not the Holy Spirit. एलीएजर हकीकी तौर पर रूल उस नहीं है But for our picture, he is a picture of the Holy Spirit. लेकिन जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें एलीएजर रूल उस को जाहिर करता है Isaac represents a picture of Jesus. अब इसहाक जो है वो यीशु मसीह की सूरत को जाहिर करता है Isaac was born of a seemingly impossible birth. अब इसहाक जो था वो एक मौजजाना तौर पर नामुमकिन तौर पर पैदा हुआ Isaac's mother was 90 years old when he was born. जब इसहाक पैदा हुआ तो उसकी माँ तकरीबन 90 बरस की थी Abraham, Isaac's father, was 100 years old. इब्राहिम 100 बरस का था यानी जब इसहाक पैदा हुआ Like Isaac, Jesus was born of an impossible birth. इसहाक की तरह यीशु मसीह भी जो है अलामती तौर पर नामुमकिन तौर पर पैदा हुए Jesus' mother was a virgin. यीशु मसीह की माँ एक कमारी खातून And she became pregnant by the Holy Spirit. और वो रूह उसके वसीला से हामिला हुई And the virgin gave birth, and his name was Jesus. और उस
कुमारी ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका नाम यीशु मसीह था. With the natural, this could not happen. फितरी तौर पर ये ऐसा नहीं होता. But it did happen. लेकिन ऐसा हमें होता दिखाई देता. When Sarah was 90 years old, God had to open Sarah's womb so that she could have a baby. जब सारा 90 बरस की थी तो खुदा ने उसके रहम को खोला ताकि उसे औलाद हो. I will tell you this. God opens and closes the womb. अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इख्तियार खुदा के पास है कि वो औलाद होने दे या ना होने दे. God is the one who gives children. God is the one who gives children. खुदा वो है जो हमें औलाद बख्शता है. Now people think they decide children will come, but they don't. लोग समझते हैं कि शायद हम फैसला करते हैं कि बच्चे कब हमारी जिंदगी में आए, लेकिन असल में ऐसा नहीं. In verse 1 through 9, we're going to see the sending of Eleazar. Go ahead and read on. पैदाइश की किताब 24 में बात कह रही है, इसके 9वीं आयत तक हम देखेंगे जब अलीएजर को भेजा गया और इब्राहिम सही और मन सीधा हुआ और खुदावन ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत बख्शी और इब्राहिम ने अपने घर के साल को नौकर से जो उसकी सब चीजों का मुख्तार था कहा, तो अपना हाथ जरा मेरी राह के नीचे रख कि मैं तुझसे खुदावन की जो जमीन और आसमान का खुदा है कसम लूं कि तू ईरानियों की बेटियों में से जिनमें मैं रहता हूँ किसी को मेरे बेटे से नहीं दिया है क्या, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाए. उस नौकर ने उससे कहा, शायद वो औरत इस मुल्क में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मैं तेरे बेटे को उस मुल्क में जहाँ से तू आया फिर ले जाऊँ. तब इब्राहिम ने उससे कहा, खबरदार तू मेरे बेटे को वहाँ हरगिज ना ले जाना. खुदा आसमान का खुदा जो मुझे मेरे बाप के घर और मेरी जात भूम से निकाल लाया और जिसने मुझसे बातें की और कसम खा के मुझसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को ये मुल्क दूंगा, कोई तेरे आगे आगे अपना फरिश्ता भेजेगा कि तू वहाँ से मेरे बेटे के लिए बीवी लाए और अगर वो औरत तेरे साथ आना ना चाहे तो तू मेरी कसम से छूटा पर मेरे बेटे को हरगिज़ वहाँ ना ले जाना. उस नौकर ने अपना हाथ अपने आका इब्राहिम की राह के नीचे रखकर उससे इस बात की कसम खाई. Eleazar was the oldest servant and the most trusted servant in Abraham's household. इब्राहिम के घर में अलीजर सबसे पुराना और ऐसा नौकर था जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था. Abraham made a covenant with Eleazar to select a bride for his son Isaac. इब्राहिम ने अलीजर से एक अहद बांधा कि उसके बेटे इसहाक के लिए बीवी तलाश करे. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit made a covenant with each other to select you as a bride. खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस ने आपस में एक अहद बांधा कि आपके लिए आप में से दुल्हन जो है उसे तलाश किया जाए. This new covenant is not a covenant between God and man. The new covenant is a covenant between God and God. नया अहदनामा जो है ये अहद खुदा और इंसान के दरमियान नहीं है, बल्कि ये अहद खुदा का खुदा ही के साथ है. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit covenant with each other on your behalf. आप की जगह आपके मुकाम पर खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस ने इस अहद को बांधा. In verse 6 and verse 8 it says this: Beware that you don't take my son back there. अब छठी आयत से आठवीं आयत तक हम अगर हम पढ़े वहां पर लिखा है इब्राहिम ने मना किया कि मेरे बेटे को वापस उस मुकाम पे उस मुल्क में ना लेके जाए. He told Eleazar, I want you to find a bride for my son from where we were born. अब उसने अलीजर से कहा कि जहां हम पैदा हुए थे वहीं से मेरे बेटे के लिए बीवी ला. But that's not where we live now. लेकिन ये वो जगह नहीं है जहां पर अब हम रहते हैं. I want the bride to be a kinsman of my son, related. अब उसने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए वो दुल्हन चाहता हूं जो हमारे रिश्तेदारों में से हो, अपनों में से.
He did not want him marrying a Canaanite woman. वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे इसहाक की शादी किसी भी कनानी औरत से। In verse 7, Abraham told Eliezer that God would send an angel to prepare the way for him. और फिर सातवीं आयत में अब्राहम ने एलीएजर से कहा कि खुदा अपना फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजेगा कि रास्ता तैयार करे। The Holy Spirit is not only the one who draws and invites, but He is the one who prepares the way for us to come into a relationship with the Father. रूह कुछ सिर्फ वो नहीं है जो जाए और रास्ता तैयार करे, बल्कि वो भी है जो लोगों को खींचता और लाता है ताकि बाप के हजूर पेश करे। Why? Why would He? क्यों वो ऐसा करता? You ready? Ready for this? सुनने के लिए तैयार? Yes. Okay. Because he wanted to. उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो करना चाहता है। He loves you. वो आपसे प्यार करता है। He wants you for himself. वो अपने लिए आपको चाहता है। He sent the Holy Spirit to draw you to himself. उसने रूह को इसलिए भेजा कि आपको अपनी तरफ खींचे। The word angel means a messenger or a representative. फरिश्ते का मतलब है पैगाम रसा या नुमाइंदा। God sent an angel and prepared the way for Eliezer. खुदा ने फरिश्ते को भेजा ताकि वो एलीएजर के लिए राह तैयार करे। Read verse 10. दसवीं आयत हम पढ़ते हैं। तब वो नौकर अपने आका के ऊँटों में से 10 ऊँट लेकर रवाना हुआ और उसके आका की अच्छी अच्छी चीजें उसके पास थी और वो उठकर मेसोपोटामिया में नहूर के शहर को गया। Okay, there were some gifts that were prepared to be given to the bride. कुछ ऐसे तहाइफ भी थे जो दुल्हन को देने के लिए साथ लेके गया। Look at this. It took 10 camels to carry the gifts that would be given. अब सुनिए, 10 ऊंट थे जिन पर वो सारे तहाइफ रखे थे जो उस दुल्हन को देने थे। This was a sampling of what would be the gifts given to the bride. Wasn't all, just part of it. ये तो सब कुछ नहीं था जो उस दुल्हन को मिलने वाला था, उसमें से कुछ हिस्सा था जो इन पर लादा गया। It was a variety of all the good things that belonged to the master that he was giving to the bride. अब उस मालिक या आका से मुतालिक जितनी भी चीजें हैं उनमें से मुख्तलिफ चीजों का चुनाव किया गया ताकि मुख्तलिफ चीजें वहां पहुंचे। It could not be taken all that the master owned that he was giving to the bride. अब इस पर सब कुछ नहीं था और सब कुछ ले जाया भी नहीं जा सकता था जो वो आका अपनी दुल्हन को देना चाहता। What God has given us now can't be compared to what has been given to us in eternity. अब जो कुछ खुदा ने आज के दौर में हमें दे रखा है उसका शुमार और मुकाबला हम उसके साथ नहीं कर सकते जो खुदा ने हमें अबदियत में देना है। I'm going to talk about this in just a moment, but God gave us Jesus. मैं इसके ताल्लुक से अगले लम्हे में बात करूंगा, पर पहली बात खुदा ने हमें अपना बेटा यीशु दिया है। All that the Father owns has been given to Jesus. जो कुछ बाप का है उसने यीशु को दिया है। We are in Christ and Christ is in us. अब हम यीशु मसीह में हैं और मसीह हम में। Because of the finished work of the cross. सलीब पर जो काम मुकम्मल हुआ उसके वसीला से। Therefore, all that belonged to the Father now belongs to us. जो कुछ बाप से ताल्लुक रखता है वो सब हमारा है। Again, why would he do that? अब वो ऐसा क्यों करे? Because he wanted to. क्योंकि वो ऐसा करना चाहता था। Is there anything that you possess that doesn't belong to your children? जो कुछ आपके पास है क्या उसमें से कोई ऐसा है जो आपके बच्चों का नहीं? You've given them your name. आपने अपना नाम उन्हें दिया है। You've given them your life. आपने अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दी है। There's nothing left for you to give. अब कुछ बाकी रहा ही नहीं कि आप उनको दें। God the Father has given us Christ the Son. अब खुदा बाप ने अपना इकलौता बेटा मसीह हमें बख्श दिया है। All that belongs to Christ the Son belongs to you. अब जो कुछ उस बेटे से ताल्लुक रखता है, जो कुछ उसका है, वो हमारा भी है। There is no more that God the Father can give you. इससे भरकर और कुछ भी नहीं है जो खुदा बाप हमें देता। Do we know all that he's given us now? क्या हम सब बातों को जानते हैं कि उसने हमें क्या कुछ दिया है आज के दौर में? No, नहीं, वो बहुत कुछ है इसलिए हम सब नहीं जानते।
He's given us a sampling of all the good things. उसने हर एक चीज का एक एग्जांपल हमें दे दिया. Now here's what I see Christians saying today. अब मैं देखता हूँ कि बाज़कार मसीही क्या कहते हैं. This is what God has done right here. Christians बाज़कार ये भी कहते हैं कि ये वो है काम जो खुदा ने कर दिया. And no more. इसके बाद अब खुदा कुछ नहीं करेगा. If I can't see it. अगर मैं उसे देख नहीं पाता, and I can't understand it, मैं उसे समझ नहीं पाता, then it hasn't been given. तो इसका मतलब है कि ये मुझे मिला ही नहीं. I want to tell you that everything has been given. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें सब कुछ दे दिया गया. From before God created all those stars, Reg was talking about. जिसके तालुक से रेज बात कर रहे थे कि वो जितने भी सितारे खुदा बनाता है, it is finished. सब कुछ उसने मुकम्मल कर दिया. For the rest of eternity, God the Father and Christ the Son will be revealing to you all that He has given to you. अब पूरी अवधियत में खुदा बाप और बेटा यीशु मसीह आप पर अपना आप और जो कुछ आपको दिया गया है जाहिर करते रहेंगे. The gifts that were being taken to the bride were going to be given to her. They were given to her. ये जितने भी तहाइफ थे ये दुल्हन के पास ले जाए गए कि उसे दिए जाए और हकीकत में दिए भी गए. They became hers not when she received them, but when they were given. और ये तहाइफ उस दुल्हन के उस वक्त नहीं बने जब उसने उन्हें कबूल किया, असल में उस वक्त हुए जब उसे बख्श दिए गए. We're going to see more about that later. बाद में हम इस पर और बात करेंगे. It will take a lifetime on this earth and eternity with the Father to understand the greatness of His gifts. खुदा के अजीम तहाइफ की अजमत को हम पूरी जिंदगी यहाँ पर भी जानने की कोशिश करते रहेंगे और अबदियत में भी जानते रहेंगे जो उसने हमें दिए. This just like us today. Just like us today. हमारी तरह जैसे हम हैं. What we think we have now is only a small portion of what God has really done for us. जो कुछ हम सोचते हैं कि हमारे पास है ये तो एक हल्का सा हिस्सा है जो खुदा ने हमारे से लिया. All that belonged to the Father was given to the Son and given to us. जो कुछ खुदा बाप का है बेटे को दिया गया और उसके वसीला से हमें दिया गया. From before the foundation of the world. बनाए आलम की बुनियाद से पहले. It is yours for all of eternity. बनाए आलम से पहले ये सब कुछ आपको दिया गया है और अब दिए तक ये आप ही का. Now in verse 11 through 14, we're going to see a plan is being hatched. ग्यारहवीं से चौदहवीं आयत तक हम देखते हैं कि एक मंसूबा एक तरीके का बनाया गया है. और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं, उसने उस शहर के बाहर बाउली के पास ऊंटों को बिठाया और कहा, खुदावंद मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर. देख मैं पानी के चश्मे पर खड़ा हूँ और इस शहर के लोगों की बेटियाँ पानी भरने को आती हैं. सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूँ कि तू जरा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूँ और वो कहे ले पी और मैं तेरे ऊँटों को भी पिला दूँगी, तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है और इसी से मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे आका पर करम किया. The first thing that Eleazar did was that he prayed. सबसे पहला काम जो Eleazar ने किया वो था उसने दुआ की. He asked God, he said, grant my success today. उसने कहा कि खुदावंद आज मेरा काम बना दे, मुझे कामयाबी बख्श. I want you to see this. Eleazar's success was not based on his own efforts. अब Eleazar की जो कामयाबी थी वो उसकी कोशिश पर नहीं थी. Your success is not based on your efforts. आपकी कामयाबी आपकी कोशिशों पर नहीं. Your standing with God is not based on your efforts. आपके जो खुदा में आप खुदा के हुजूर खड़े होते हैं उसकी बुनियाद ये नहीं है कि आपकी कितनी कोशिश और जद्दोजहद. Your standing with God the Father is based on the efforts of Christ the Son and God the Father. अब आप जब खुदा के हुजूर खड़े होते हैं तो उसकी बुनियाद खुदा बाप और जो कुछ उसने अपने बेटे के वसीला से किया है वो है. God the Father chose you. खुदा बाप ने आपका चुनाव किया. In love he chose you. मोहब्बत में उसने आपका चुनाव किया. He did not choose you if you would change anything about you.
अब इसलिए उसने आपका चुनाव नहीं किया था कि आप अपनी जिंदगी में अपने अंदर खुद कुछ तब्दीली कराएं। He chose you before the foundation of the world. उसने दुनिया की बुनियाद से पहले ही आपको चुन लिया। It had nothing to do with you. इसलिए आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं। Eleazar decided how he would recognize the bride. अब अलीएजर ने इस बात का भी फैसला किया कि जो दुल्हन खुदावन की तरफ से होगी उसको मैं कैसे पहचानूं? He realized that God was going to be the one that picked the bride and not him. उसने इस बात को समझा कि खुदा है जो उसके लिए दुल्हन ढूंढेगा ना कि अलीएजर खुद। God gave Eleazar an idea as soon as he prayed. और जो ही अलीएजर ने दुआ की खुदा ने उसे एक ख्याल बख्शा। He said, I'm going to ask whoever comes out to this well to give me water. उसने कहा कि मैं जो कोई भी इस कुएं पर आएगा उससे पानी मांगूंगा। And then she's going to say, can I water all your camels too? और वो जो ये कहेगी कि मैं तुझे भी पानी पिलाती हूँ तेरे ऊंटों को भी। It was a large group that was with Eleazar. अलीएजर के साथ बहुत बड़ा और भी हजूम था। There were 10 camels full of gifts. 10 ऊंट थे जो तोहफों से भरे हुए। And there were the other servants that came along with Eleazar, and they were on camels. अब और नौकर भी थे जो अलीएजर के साथ आए थे जो उन ऊंटों के साथ थे। Can you imagine how long it took to water that many camels with a jar? क्या आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि 10 ऊंटों को उस दौर में पानी पिलाना कितना मुश्किल होगा? But that's exactly what she did when he said, "Would you give me some water?" जब उसने उससे कहा कि क्या तू मुझे पानी पिलाएगी? She said, "May I water your camels too?" तो उसने खुद कहा कि क्या मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिला दूं? Eleazar was thinking, "That's just what I prayed." अलीएजर सोच रहा था कि इसी बात की तो मैंने दुआ की थी। God thought it up in heaven, put it on Eleazar's mind. And Eleazar prayed it back to God. खुदा ने अपने ज़हन में एक मंसूबा बनाया, अलीएजर के ज़हन में डाला, और उसने दुआ वापस खुदा से वैसे ही कर ली। Prayer that is answered in heaven comes from heaven. अब जिन दुआओं को आसमान पर सुना जाता है, वो आती भी आसमान से ही। You think it's your idea to pray for a certain thing, but it's not. आप समझते हैं कि इस बात के लिए जो मैंने बड़ा अच्छा मंसूबा बनाया है, इरादा बना के दुआ की, ये मेरी तरफ से था? नहीं। God puts it on your heart. खुदा आपके दिल में इरादों को डालता है। You agree with him. आप उनके साथ मुत्तफिक होते हैं। And you pray back to him. तो आप वापस खुदा से दुआ करते हैं। It is answered before you pray. इससे पहले कि आप दुआ करें, जो दुआएं ऊपर से आपके दिल में आती हैं, जवाब मिल चुका है। Rebecca for this service. खुदा ने रिबका को इस खिदमत के लिए तैयार किया। It may seem like it was Rebecca doing the work, but it was God doing the work through her. लगता है ऐसे जैसे रिबका कुछ काम कर रही है, लेकिन असल में खुदा ये काम रिबका से ले रहा है। Prayer is answered as soon as it's prayed. Read verse 15 for me. दुआएं जब हम करते हैं उसी घड़ी सुन ली जाती हैं। 15वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ते हैं, 24वां बाब 15वीं आयत से 20वीं आयत। वो ये कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नहूर की बीवी मिल्का के बेटे बेतुएल से पैदा हुई थी, अपना घड़ा कंधे पर लिए हुए निकली। वो लड़की नहायत खूबसूरत और कपारी और मज से नवाकी थी। वो नीचे पानी के चश्मा के पास गई और अपना घड़ा भर कर ऊपर आए। तब वो नौकर उससे मिलने को दौड़ा और कहा, जरा अपने घड़े से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, पीजिए साहिब, और फौरन घड़े को हाथ पर उतार उसे पानी पिलाया। जब उसे पिला चुकी तो कहने लगी, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी भर भर लाऊंगी जब तक वो पी ना चुके। और फौरन अपने घड़े को हौज में खाली करके फिर बावली की तरफ पानी भरने दौड़ी गई और उसके सब ऊंटों के लिए भरा। God answered the prayer in even bigger way than it was prayed. जिस तरह दुआ की गई थी, खुदा ने उसका जवाब उससे बड़े अंदाज और तरीके से दिया। Now I want you to listen to this. मैं चाहता हूँ इसे आप गौर से सुनें। When God is in anything that we are doing, it will be easy.
जब खुदा हमारे किसी काम में होता है तो जो कुछ हम कर रहे होते हैं आसान हो जाता है। Jesus said this, my yoke is easy and my load is light. Yes, मसीह ने कहा कि मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। That does not mean there won't be labor. There will be labor. इसका मतलब यह नहीं है कि कोई काम काज नहीं है या कोई बोझ नहीं है। But it will be easy. लेकिन आसान होगा। I hear this. If it's not easy and it's not light, it's not Jesus. अब अगर हल्का नहीं है और आसान नहीं है तो फिर याद रखें ये यीशु मसीह की तरफ से नहीं है। Living under the law is not easy. अब शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करना आसान नहीं है। And it is also not Jesus. और इसमें यीशु मसीह भी नहीं। Jesus came to fulfill the law. यीशु मसीह इसलिए आए कि शरीयत को पूरा करें। Did Jesus fulfill the law? क्या यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया? Yes. Okay. हाँ। If he fulfilled the law and you are in him, have you fulfilled the law? अब अगर यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया और आप कहते हैं हम मसीह में हैं, तो क्या आपने पूरा नहीं कर दिया? Yes. हाँ। Aren't you glad? Then why do we go back to what has already been fulfilled? अब हम क्यों वापस जाते हैं वो काम करने जो पहले से ही मसीह ने कर दिया? If you go back to the law, अगर आप वापस शरीयत की तरफ जाएंगे, then you're saying what Jesus did on the cross was not enough. तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ यीशु मसीह ने सलीब पर किया वो काफी नहीं था। Ever thought about that? क्या आपने कभी ये सोचा? Okay. It was enough. It was finished on the cross. वो काफी था और सलीब पर सारा काम मुकम्मल किया गया। Rebecca did exactly like Eliezer thought in his mind. जिस तरह अलीएजर ने अपने ज़हन में सोचा, रिबका ने वैसा ही अमल किया। God gave Eliezer the idea. खुदा ने अलीएजर को ख्याल दिया। And Rebecca acted out on what God had said. और रिबका ने जैसा खुदा ने उससे कहा उसने वैसा ही किया। Read verse 21 and 22. 21वीं और 22वीं आयत पढ़े आप। वो आदमी चुपचाप उसे गौर से देखता रहा ताकि मालूम करे कि खुदावंद ने उसका सफर मुबारक किया है या नहीं। और जब ऊंट पी चुके तो उस शख्स ने निस्फ मिसकाल सोने की एक नथ और 10 मिसकाल सोने के दो कड़े उसके हाथों के लिए निकाले। Now I'll show you what Eliezer did. मैं आपको बताना चाहता हूँ अलीएजर ने क्या किया। He goes to one camel. वो एक ऊंट के पास गया। And he gets a beautiful ring and some beautiful bracelets. और वहाँ पर उसने एक बहुत खूबसूरत नथ निकाली। And he goes to Rebecca and says, "Here, these are yours." और रिबका को उसने कहा कि ये सोने के जेवर तेरे हैं। And she goes, "Oh, it is so beautiful." और जो ब्रेसलेट उसने उसको दिया उसने कहा ये तो बहुत अच्छा है तेरी बीवियों ने चंगे लगते हैं। And she thought that was all there was. और वो समझी कि शायद यही सब कुछ है। She didn't know that everything on those camels belonged to her. उसने ये समझे ही नहीं कि ये तो वो चीजें जो मुझे दी गई हैं जो ऊंटों पर मैं वो भी सारा मेरा ही है। It gets even better. इससे भी बड़ा। She realized that everything was on the camels belonged to her. She realized that one day. एक दिन उसे समझ आ गई कि ये जो ऊंटों पर है वो भी मेरे ही है। But she didn't realize that everything that belonged to the son belonged to her. और वो ये नहीं जानती थी कि जो उस बेटे का है वो भी तो सब कुछ उसी का है। And then one day she realized that everything that belonged to the father belonged to her. फिर एक दिन उसे इस बात की भी समझ आ गई कि जो बाप का है वो सारा भी मेरा ही है। Because the father had given everything to the son. क्योंकि बाप ने अपना सब कुछ बेटे को दिया है। And the son was going to give himself to Rebecca. और बेटे ने अपना आप ही उस दुल्हन को दे दिया। That's the same way with you. और यही आपके साथ भी है। God the Father, खुदा बाप, has given everything that He has, जो कुछ उसके पास था, to you, आपको दे दिया है। Before the foundation of the world, इस बनाए आलम से पहले आपको दिया है। Got a question for you. एक सवाल आपके लिए है। Do you believe this?
this? क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? I'm glad you do. आपकी बारी माटी दी आई है, लेकिन मैं खुश हूँ कि आप ईमान रखते हैं. But I want to tell you this. मैं आपको एक और बात बताता हूँ. It's yours, even if you don't believe it. आप ईमान ना भी रखें तो ये सब कुछ आपका ही है. Because what you do has nothing to do with what he does. You can go करता है उसने आपका कोई ईमान ना करेंगे. Then ये बहुत बड़ी बात. All right. Read verse 23 through 25. 23वीं आयत से 25वीं आयत पढ़ते हैं. अगली किस्त और कहा कि जरा मुझे बता कि तू किसकी बेटी है और क्या तेरे बाप के घर में हमारे टिकने की जगह है. उसने उससे कहा कि मैं बेतोएल की बेटी हूँ, वो मिल्का का बेटा है जो नहूर से उसके पैदा हुआ. और ये भी उससे कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है और टिकने की जगह भी है. It just keeps getting better. अब जितना हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और अच्छी होती जाती है. Eliezer finds out that Rebecca is the daughter of Abraham's brother. अब एलीजर को पता चला कि रिबका जो है इब्राहिम के भाई की बेटी है. And so in verse 26, Eliezer worships Yahweh. अब 26वीं आयत में लिखा है कि एलीजर ने झुककर खुदावन को सजदा किया, उसकी प्रस्तुति की. Read verse 26. तब उस आदमी ने झुककर खुदावन को सजदा किया. You know, Eliezer did not call Yahweh the God of Abraham anymore. अब एलीजर उस याहवे को यानी खुदावन को इब्राहिम का खुदा कह के नहीं पुकार रहा. You know why? आपको पता चलता है क्यों? Now he thought that he is my God. अब इसलिए वो उसे खुदावन कहता है, इब्राहिम को उसने निकाल दिया बीच में से, क्योंकि वो जानता है कि वो मेरा खुदा है. When God ministers through you, जब खुदा आपके वसीला से काम करता है, he must minister to you. तो उसके लिए जरूरी है कि वो पहले आपकी जिंदगी में काम करे. Eliezer was blessed just like Rebecca. जिस तरह रिबका को बरकत मिली उसी तरह एलीजर ने भी बरकत पाई. Read verse 30. तीसवीं आयत पढ़ते हैं. और यूं हुआ कि जब उसने वो नथ देखी और वो कड़े भी जो उसकी बहन के हाथों में थे और अपनी बहन रिबका का बयान भी सुन लिया कि उस शख्स ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें की, तो वो उस आदमी के पास आया और देखा कि वो चश्मा के नजदीक ऊंटों के पास खड़ा है. Rebecca's family saw some of the gifts. अब रिबका के खानदान के लोगों ने भी चंद तहाइफ को देखा जो वो पहने हुए थे. Here's how they looked at those gifts. अब इस तरह उन्होंने उन तोहफों को देखा. Wow! मतलब एक और थोड़ा बात है. This is how they looked at the gifts. Ready? और उसका खानदान समझा कि शायद यही है जो तोहफे रिबका को मिले, बस आई. Rebecca knew there was more. लेकिन रिबका जानती थी कि अभी तो बहुत कुछ पीछे भी है. When God gives you, others look at you and they go, wow. जब खुदा आपको कुछ देता है तो उसे देख कर दूसरे कहते हैं वाह. But we need to say to them, लेकिन हमें उन्हें कहने की जरूरत है, this isn't all there is. कि यही तो सब कुछ नहीं है, अभी तो खुदा के पास और भी बहुत है. Do you know why God blesses you with his gifts? क्या आप जानते हैं कि खुदा क्यों आपको इन बरकत से मालामाल करता है? Because he knows that by blessing you, it will bless others. क्योंकि वो जानता है कि आपको बरकत देने से आपके वसीला से दूसरों को बरकत मिलेगी. That's going to take the Rebecca back to Abraham's son. अब हम उस मंसूबे पर गौर करेंगे जिसके वसीला से उस दुल्हन को इब्राहिम के बेटे इसहाक के लिए वापस लेके जाना था. Read verse 35-40. 35 में ऐसे हम पढ़ेंगे किस तरह दुल्हन को वो लेके गया है बेटे के पास. 35 में ऐसे 41 में आएगा. और खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया.
और उसने उसे भेड़ बकरियां और गाय बैल और सोना चांदी और लौंडियां और गुलाम और ऊन और गधे बख्शे। अब मेरे आका की बीवी सारा के जब वो बुढ़िया हो गई उससे बेटा हुआ, उसी को उसने अपना सब कुछ दे दिया है। और मेरे आका ने मुझे कसम देकर कहा है कि तू कनानियों की बेटियों में से जिनके मुल्क में मैं रहता हूँ किसी को मेरे बेटे से ना दिया, बल्कि तू मेरे बाप के घर और मेरे रिश्तेदारों में जाना और मेरे बेटे के लिए बीवी लाना। तब मैंने अपने आका से कहा शायद वो औरत मेरे साथ आना ना चाहे। तब उसने मुझसे कहा कि खुदावन जिसके हजूर में चलता रहा हूँ अपना फरिश्ता तेरे आगे भेजेगा, तेरा सफर मुबारक करे, तू मेरे रिश्तेदारों और मेरे बाप के खानदान में से मेरे बेटे के लिए बीवी लाना। और जब तू मेरे खानदान में जा पहुँचेगा तब मेरी कसम से छूटेगा, और अगर वो कोई लड़की ना दे तो भी तू मेरी कसम से छूटा। It has always been God's plan to take you as his bride. अब ये खुदा का पहले से ही मंसूबा है कि आपको अपनी दुल्हन होने के लिए। This story is a picture of what God has done for you. अब ये कहानी एक तस्वीर है उस काम की जो खुदा ने आपके लिए किया है। God gives gifts. खुदा तोहफे और नेमतें देता है। God makes a pledge. खुदा अहद या कसम बांधता है। Now, won't you see this? God made a pledge to you. You did not make a pledge to God. अब खुदा ने आपसे अहद और कसम बांधा है, आपने नहीं। God gives gifts to you. खुदा आपको तोहफे देता है। You do not give gifts to God. आप कोई नेमत बरकत खुदा को नहीं देते। Your only part, if you have a part. आपका हिस्सा, अगर आपका कोई हिस्सा है तो, is to receive the gifts that God has given you. वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो तोहफे और नेमत खुदा आपको देता है उसे कबूल करें। And to believe him. और उस पर ईमान रखें। That they are yours. कि वो सारे तोहफे मेरे हैं। That's what being saved is. निजात पाने से मुराद दी गई है। It's saying, I receive your life as my own. इसका मतलब ये है कि आप निजात को कहें कि मैं उस जिंदगी को, निजात को कबूल करता हूँ। And I believe you that you have become my life. मैं तुझ पर इत्मीनान करता हूँ कि तू मेरी जिंदगी बना। Eliezer brought the gifts. Eliezer तोहफे लेकर आया। They were a pledge, a down payment. और फिर एक इब्ज़ाना दिया गया या बयाने की सूरत में कुछ दिया गया। 10 camel full. 10 ऊंट भरे हुए। The Holy Spirit was given to you as a pledge. अब रूल कुछ भी आपको बयाने की सूरत में दिया गया। The Holy Spirit is a person and not a thing. रूल कुछ शख्सियत है ना कि कोई चीज। You don't get the Holy Spirit one day. The Holy Spirit is given in the beginning as a pledge. रूल कुछ आपको एक दिन जाकर नहीं मिलेगा, जब आप खुदा को कबूल करते हैं आपको रूल कुछ दिया जाता है। And that's wonderful. और ये बहुत शानदार बात है। But the more we understand, the more we're going to see that God has given us. जितना ज़्यादा हम समझेंगे, उतने ज़्यादा हम देखेंगे कि खुदा ने हमें क्या कुछ दिया। All these gifts that were given to Rebecca were a down payment. अब ये जो रिबका को तोहफे दिए गए थे पहले में ना था कड़े, ये एक बयाने की सूरत में थे। You know, it's easy to get caught up in the down payment. Say, oh, this is wonderful. अब जब आपको बयाना दिया जाता है तो आप बयाने से समझ जाते हैं कि मेरा जरा काम है ना सेट हो गया बाहर। Now payment is just the beginning. लेकिन ये जो बयाना होता है ये तो शुरू ही होता है। What you now know about what God has done for you is just the beginning. अब जो कुछ खुदा ने आपके लिए किया है अभी तो शुरू ही है। It's just the beginning. सिर्फ शुरू हुआ है। Now, Rebecca was not living presently in the land that she was going to live. अब जिस सरजमीन में रिबका ने जाके रहना था अभी वो वहां नहीं रह रही, अभी तो अपने माँ बाप के घर पे। She was going to her new home in Canaan. अब कनान में अपने नए घर को जाने वाली है। People have the idea that Canaan is heaven. अब बहुत सारे लोग जो हैं उनके जहन में ये ख्याल था कि कनान आसमान के अलावा। That's not right. ये सही नहीं है। Canaan is now. कनान अब की बात है। When you understand what Christ has given you, जब आप समझते हैं कि यीशु मसीह ने आपको दिया क्या है, when you understand that His life is your life, जब आप समझते हैं कि खुदा यीशु मसीह की जिंदगी आपकी जिंदगी है, that you have been raised up in Him, तो आप उसमें जिंदा होते हैं, that you have been seated in Him, आप उसमें बैठते हैं, on His throne, उसके तख्त पर, you are living in Canaan.
जगह रहते हुए भी कनान में रहते हैं। Not one day. एक दिन नहीं अगर आप कहीं जाएं। People that come to Reg for counseling. वो लोग जो रेज के पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मशवरे लेने आते हैं। They do not understand that all Jesus had is now theirs. वो ये समझते नहीं हैं कि जो यीशु मसीह के पास था, वो हमारा है। Where we are now is not our home anymore on this earth. अब जहां हम हैं, ये असल में हमारा घर नहीं है। Our home, now listen to this. Our home. इसे गौर से सुनिएगा। हमारा घर is wherever our husband is. हमारा घर वो है जहां हमारा दुल्हन है। Christ is our husband. अब यीशु मसीह हमारा शौहर है। We are the bride of Christ. हम खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन हैं। Wherever Christ belongs, जिस जगह से शौहर ताल्लुक रखता है, that's where you belong. Yes. वहीं से तो हम ताल्लुक रखें। क्या ये बात असीम नहीं है? बात मार्टिन देना था दोबारा पढ़ो। Read verse 50. 50वीं आयत से 58 आयत तक इसी बात की। 50वीं आयत से 58वीं आयत तक। तब लाबन और बतूएल ने जवाब दिया कि ये बात खुदावन की तरफ से हुई है, हम तुझे कुछ बुरा या भला नहीं कह सकते। देख रिबका तेरे सामने मौजूद है, उसे ले और जा और खुदावन के कौल के मुताबिक अपने आका के बेटे से उसे दे आ। जब इब्राहिम के नौकर ने उनकी बातें सुनी तो जमीन तक झुक कर खुदावन को सजदा किया, और नौकर ने चांदी और सोने के जेवर और लिबास निकाल कर रिबका को दिए और उसके भाई और उसकी माँ को भी कीमती चीज़ें दी। उसने और उसके साथ के आदमियों ने खाया पिया, रात भर वहीं रहे। सुबह को वो उठे और उसने कहा कि मुझे मेरे आका के पास रवाना कर दो। रिबका के भाई और माँ ने कहा कि लड़की को कुछ रोज़, कम से कम 10 रोज़ हमारे पास रहने दे, इसके बाद वो चली जाए। उसने उनसे कहा कि मुझे ना रोको, क्योंकि खुदा ने मेरा सफ़र मुबारक किया है, मुझे रुख्सत कर दो ताकि मैं अपने आका के पास जाऊँ। उन्होंने कहा, हम लड़की को बुलाकर पूछते हैं कि क्या वो क्या कहती है। तब उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस आदमी के साथ जाएगी? उसने कहा, जाऊँ। She had to receive the gifts and believe that they were hers. उसे उन तोहफों को कबूल करना था और ईमान रखना था कि ये मेरे हैं। If she did not receive the gifts and believe that they were hers, she would not benefit from the gifts. अब अगर वो ईमान ही ना रखती और कबूल ना करती तो उन तोहफों से उसे कुछ फायदा ना। Even though Christ has given himself to you, if you do not receive and believe him, it will not benefit you. अगर खुदा यीशु मसीह ने आपको जो कुछ दिया है या अपना आप दिया है, अगर आप उस पर ईमान नहीं रखते, कबूल नहीं करते, तो इसका आपको कोई फायदा नहीं। Yahweh was preparing the heart of Rebecca. अब याहवे जो था, खुदावन रिबका का दिल तैयार कर रहा था। Rebecca's father asked her this question. रिबका के बाप ने उससे यह सवाल पूछा, Will you go with this man? क्या तू इस शख्स के साथ जाएगी? She had to make a choice. अब चुनाव करना रिबका के हाथ में। Here's what she said. और रिबका ने क्या कहा? I will go. मैं जाऊँ। She received and believed him for all that she was given. जो कुछ उसे दिया गया था, उसे देखते हुए उसने कबूल भी किया और ईमान भी रखा। She didn't know all that was given. अभी तो जो कुछ दिया गया था, उस सब से वो वाकिफ भी नहीं। She received things that she didn't even understand. उसने वो चीजें ली जिनको वो शायद समझ भी ना पाई। She believed him. उसने उस पर इत्तेकाद किया। That they were given to her. कि वो उसे दिए गए। She believed him for what she saw with her own eyes. जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा, उस पर उसने इत्तेकाद किया। But she also believed him for what she could not see. और जो कुछ वो देख नहीं रही थी या देख नहीं सकती थी, उस पर भी उसने यकीन कर लिया। 49वीं आयत। सो अब अगर तुम कर्म और रास्ते से मेरे आका के साथ पेश आना चाहते हो तो मुझे बताओ, और अगर नहीं तो कह दो ताकि मैं दाहिने या बाई तरफ फिर जाऊं। Eliezer asked this question. Eliezer ने यह सवाल पूछा। He said, "Tell me if you're going to deal kindly with my master and receive what he gives."
उसने पूछा कि अगर तुम खराम के साथ मेरे आका से पेश आना चाहते हो, जो उसने भेजा उसे कबूल कर दे। मैं आपसे भी ये सवाल पूछूं। Are you going to deal kindly with my master and receive what he gives you? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप जो कुछ उस आका ने मेरे मालिक ने आपको दिया है उससे करम से पेश आकर उसे कबूल करेंगे? जो कुछ आपको दिया गया है, all that he has, जो कुछ उसका है उसने सब कुछ दिया है। The greatest gift and the one that is overlooked is that he gave himself. सबसे बड़ा तोहफा बख्शिश यह है कि उसने अपना आप ही आपके लिए दिया। The father gave his greatest gift first. सबसे पहले बाप ने अपनी सबसे अच्छी और अजीम चीज को बख्शा है। His son. अपने बेटा। He gave his son. उसने अपना बेटा दिया। The son and the father gave the bride all that was theirs. जो कुछ बाप और बेटे का था दुल्हन को वो सब कुछ उन्होंने दिया। Christ the son and God the father has given you the bride all that is theirs. मसीह जो बेटा है और खुदा बाप ने जो कुछ उनका था दुल्हन को सब कुछ दिया। He gave it to you even before you believed him. पेशदर इससे कि आप ईमान लाते उन्होंने दे दिया। But you must believe. लेकिन आपका ईमान लाना जरूरी है। And you must receive. और कबूल करना भी जरूरी है। There is nothing left to give. अब कुछ बाकी रहा ही नहीं कि आपको दिया जाए। The son did not share all that was his with the bride. जो कुछ बेटे का है बेटा उसमें से कुछ दुल्हन के साथ बांटता नहीं। He gave all that was his to the bride. जो कुछ बेटे का है उसने दुल्हन को सब कुछ दिया है। It's as much hers as if it never belonged to the son. जितना बेटे का है उतना ही दुल्हन का है। You see how big that is? क्या आप देखते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है? The bride did nothing to earn it. दुल्हन ने इस सब कुछ को हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं किया। She simply received. उसने तो सिर्फ कबूल किया। We do nothing to receive this life. We simply receive the gift of Jesus. हम यीशु मसीह और इस जिंदगी को हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इसे कबूल करते। It's nothing that we do. It's what He did. इसमें कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो हम करें, बल्कि वो सब कुछ उसने हमारे लिए किया है। We're going to see that Isaac received his bride three verses. हम देखेंगे कि इसहाक ने अपनी दुल्हन को कैसे कबूल किया। 43वीं आयत का 63वीं आयत से 67 आयत 63 से पढ़ेंगे हम 63 आयत से। और शाम के वक्त इसहाक सोचने को मैदान में गया और उसने जो अपनी आंखें उठाई और नजर की तो क्या देखता है कि ऊंट चले आ रहे हैं। और रिबका ने निगाह की और इसहाक को देखकर ऊंट पर से उतर पड़ी और उसने नौकर से पूछा कि ये शख्स कौन है जो हमसे मिलने को मैदान में चला। उस नौकर ने कहा ये मेरा आका है। तब उसने बुर्का लेकर अपने ऊपर डाल ली। नौकर ने जो जो किया था सब इसहाक को बताया और इसहाक रिबका को अपनी माँ सारा के डेरे में ले गया। तब उसने रिबका से ब्याह कर लिया और उससे मोहब्बत की और इसहाक ने अपनी माँ के मरने के बाद तसल्ली पाई। Isaac received his bride. इसहाक ने अपनी दुल्हन का इस्तकबाल किया। Isaac met Rebecca and he loved her. इसहाक रिबका से मिला और उससे उसे मोहब्बत हुई। Rebecca was prepared for Isaac. रिबका जो थी वो इसहाक से मिलने के लिए पहले से तैयार थी। We are prepared for Jesus. और हम भी यीशु से मुलाकात के लिए तैयार हैं। Isaac met Rebecca and he loved her. इसहाक ने रिबका को देखा और उससे मोहब्बत की। Jesus meets us and he loves us. यीशु भी हमें मिलता है और हमसे प्यार करता है। We are prepared for Jesus. हम यीशु मसीह के लिए तैयार किए गए हैं। We are pure because of the cross. हम सलीब के वसीला से पाक किए गए हैं। Romans 5:17 and 18 it says this. We're not going to read it. I talked about it yesterday. Romans 5:17 and 18 talks about our relationship because of the cross. We are righteous. रोमियो 5वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत हम पढ़ेंगे नहीं, कल मैंने इसके बात की है। वहां पर लिखा है कि Romans 17:18 says that all men are righteous because of the death of Christ.
यीशु मसीह की मौत के वसीला से तमाम आदमी रास्तबाज ठहरे रोमियों 5वीं बाब 17वीं 18वीं आयत It does not mean that all men are saved. इसका मतलब यह नहीं है कि सब निजात पा रहे It is that the gift has been given to all men. इसका मतलब यह है कि सब आदमियों को तोहफा दे दिया गया नेमत सबके लिए But his life, उसकी जिंदगी must receive. लेकिन सबको कबूल करना जरूर है must believe. और उस पर ईमान मिलाना लाजमी है We are now virgins spiritually because of the cross. हम सलीब के वसीला से रूहानी तौर पर कंवारी की मानिंद हैं. As if we had never sinned. ऐसे जैसे हमने कभी गुनाह नहीं किया. We are righteous. हम रास्तबाज हैं. Jesus loves us. यीशु मसीह हमसे प्यार करता है. He loved us before we knew him. इससे पहले कि हम उसे जानते उसने हमसे मोहब्बत की. Jesus loved Rebecca before he laid eyes on her. यीशु मसीह ने दुल्हन से प्यार किया इससे पहले कि वो उसे देखती थी इस तरह इसहाक ने रिबका से किया Now this is what I want you to see now that's so big. अब जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये बहुत बड़ी बात गौर से सुनिएगा काटबास के लोग Rebecca was a gift from Abraham to Isaac. रिबका जो थी Rebecca was a gift from Abraham the father to his son Isaac. अब रिबका इब्राहिम यानी जो बाप है उसकी तरफ से अपने बेटे इसहाक के लिए एक तोहफा थी We are a gift from God the Father to Christ the Son. हम खुदा बाप की तरफ से मसीह का बेटा है उसके लिए तोहफा है. The Bible tells a story about a pearl of great price. और बाइबल मुकद्दस एक अजीम कीमत की कहानी हमें बताती है। The story goes that when the man found the pearl, he went and sold all that he had so that he could purchase the pearl. और उस कहानी में कुछ ऐसा है कि आदमी को खजाना मिलता है और वो जो कुछ उसका है उसे बेचता है और आकर उस जमीन को खरीदता है जहाँ पर खजाना है। Some people wrongly preach that Jesus is the pearl and we're to sell all that we have. बहुत सारे लोग इस कहानी की गलत तशरीह करते हैं वो कहते हैं वो खजाना जो मिला था वो यीशु मसीह है और हमें अपना सब कुछ बेचकर उस खजाने को लेना है That is not what's true. ये सच्ची बात नहीं है We are the pearl of great price. हम असल में उस बड़ी कीमत के हिसाब से खजाना है And Jesus purchased us with all that he had. यीशु मसीह ने जो कुछ उसके पास था उसे देकर हमें खरीदा है His wife. अपनी जिंदगी देकर हमें खरीदा है इससे भी बड़ी बात और अच्छा If he says that you are worth His life, are you going to believe him that you have great worth in his eyes? अब जब वो ये कहता है कि तुम्हारी कीमत यीशु मसीह कहता है तुम्हारी कीमत उसकी जिंदगी की कीमत के साथ है तो आप देखेंगे अपनी निगाह में आपकी अपनी कीमत कितनी बड़ी होगी The value of something is determined by how much someone is willing to pay for it. किसी भी चीज की कीमत का अंदाजा हम इस बात से लगाते हैं कि दूसरा शख्स उसके लिए कितना अदा करने को तैयार है Your value was determined by God the Father. आपकी जो अहमियत है उसका अंदाजा खुदा बाप इस बात से लगाते हैं When he decided to sacrifice his own son, जब उसने आपके लिए फैसला किया कि अपना बेटा ही कुर्बान कर दे to purchase you for him. ताकि आपको खरीदे तो आपकी कीमत कितनी बड़ी है Amen. We did not first choose him, he chose us. हमने पहले उसका चुनाव नहीं किया बल्कि खुदा ने हमारा किया We chose to receive what is already given and is ours. हमने जिस बात का चुनाव किया वो तो ये थी कि जो पहले से हमें दे दिया गया उसे हम कबूल करें We are his. हम उसके But he is ours. हम उसके हैं और वो हमारा है मैं उससे ताल्लुक रखता हूँ वो मुझसे ताल्लुक रखता है This was not a chance choosing. This was not a choosing by chance. ये कोई इत्तफाकी तौर पर चुनाव की बात नहीं हो रही He chose to give himself and all that was his to us. जो कुछ उसका है उसने चुनाव किया कि वो हमें बख्शे We choose to receive what he's given. और हम इस बात का
फैसला करते हैं कि जो हमें दिया गया उसे कबूल करें। Relationship is a conscious choice। अब ये जो रिश्ता है, ये हमारी अकल का एक फैसला है। God has given Himself to us। खुदा ने अपना आप हमें दे दिया। We choose to walk in what He has given us। जो कुछ उसने हमें दिया है, हम फैसला करते हैं कि उसमें ज़िंदगी गुज़ारें। His life। उसकी ज़िंदगी। When we see the bride, our focus will no longer be on the gifts। जब हम दुल्हा को देखेंगे तो फिर हमारा मरकज या ख्याल चीजों पर नहीं जाएगा। When Rebecca saw Isaac, जब रिबका ने इसहाक को देखा, गौर से सुनिए, this is what went through her mind। ये बातें रिबका के ज़हन में आई। Forget the gifts, boy, he is really something। अब जब रिबका ने अपने दुल्हा को देखा, चीजें भूल गई और कहने लगी, मेरा दुल्हा उनसे भी अच्छा है। See Jesus, you're going to forget all the stuff he gave you. जब आप यीशु मसीह को देख लेते हैं, तो आप सारी चीजें भूल जाते हैं। आप जिस बात का फैसला करते हैं, निर्णय करते हैं, वो ये कि हम उसे और ज्यादा जाने। Okay. The gifts are ours. लेकिन एक बात जरूर है, वो सारे तोहफे हैं हमारे ही। But they're secondary. लेकिन अब उनकी अहमियत सानवी हो गई है, दूसरी हो गई। Your story about a 4-year-old little girl. I know this little girl very well. मैं छोटी बच्ची को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। She has cancer. उसे cancer in her brain. उसे cancer हो गया। The doctors say that she will not grow up. डॉक्टर ने कहा कि वो बचेगी नहीं। They did surgery on her brain, trying to take the cancerous tumor out. उन्होंने ज़हन और दिमाग का ऑपरेशन किया और उसे कैंसर को निकालने की कोशिश की। And they cut the optic nerve in her brain. और उन उसके दिमाग में खास किस्म की नस थी, उसे काट दिया। So she could not physically see. और उस नस के काटने की वजह से वो जिस्मानी तौर पर देखना बंद हो गई, अंधी हो गई। इंसान के लिहाज। But she could see. लेकिन वो देख सकती थी। God did not take her away her ability to see. खुदा ने सारे मरहला में उसके देखने की सलाहियत को नहीं दिया। But as this little 4-year-old grew from 18 months old, 4 years old, she began to see things that people cannot see with their eyes. 18 महीने की उम्र से 4 साल की उम्र तक उसने वो चीजें देखी जो दुनिया आमतौर पर नहीं देखती। She began to see Jesus in a way that most people have never seen Jesus. उसने यीशु मसीह को देखना शुरू किया उस तरह जिस तरह आम लोग नहीं भी देख पाते। One day she said to her mother, एक दिन उस बच्ची ने अपनी माँ से कहा, Mother, माँ, I really miss talking to Jesus and he misses me. मैं यीशु से बातचीत करना और वो मुझसे बातचीत करने को बहुत मिस करते हैं। And her mother said, Honey, we can talk to Jesus. उसकी माँ ने उसे कहा कि हाँ बेटा, हम यीशु से बात कर सकते हैं। And the little girl said, Yes, mommy, I know, but it's just not the same. मैं उस बच्ची ने माँ को जवाब दिया, हाँ माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन जैसे तुम कह रही हो वैसे बात नहीं। I want you to see Jesus like that 4-year-old. मैं आपको भी चाहता हूँ कि उस 4 साल बच्ची की तरह यीशु को देखें। That may never grow up physically. जो जिस्मानी तौर पर तो बहुत बड़ी नहीं हो, but he's already grown up spiritually. लेकिन रूहानी तौर पर वो बहुत बड़ी हो चुकी। She really misses Jesus. और यीशु मसीह को बहुत याद करती है। And he really misses her. और यीशु मसीह भी उससे बहुत प्यार करता है। She really loves Jesus. वो यीशु मसीह से बहुत प्यार करती है। And she knows that Jesus really loves her. और वो ये भी जानती थी कि यीशु मसीह भी उससे वाकई प्यार करता है। That is a true story. ये एक सच्ची कहानी है। I want to tell you this. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। Jesus really loves you. यीशु मसीह आपसे प्यार करता है।